26 जनवरी का दिन हमारी कौमी आज़ादी का दिन है। इस दिन हमारा विधान जो है 1950 में लागू हुआ था। आज ये 73वां 26 जनवरी का दिवस है। इसको फेस्टिवल के तौर पे हम लेते हैं और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 में मिली थी, वो जो है उसकी मंशा को जो है वो बहाल किया जाए। फिर हम एक शपथ लेते हैं कि हम अपने विधान के मुताबिक ही इस देश को चलाएंगे और आगे बढ़ेंगे, जो जन कल्याण का काम करेगा। मुझे पूरा यकीन है, जहां मैं अपने दिल की अमीर ग्राहियों से अपने भारतवर्ष के लोगों को 26 जनवरी की मुबारक पेश करता हूं, वहां ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे रियासत की हो, जो भी अपना काम करें, जो कदम उठाएं, वो जनहित में हो। अभी जो एक लैंड एविक्शन ऑर्डर्स हमारी रेवेन्यू महकमा ने जम्मू कश्मीर में पास किए हैं, वो सरासर गैरकानूनी हैं और गलत हैं। आज के रोज़ मैं ये चाहूँगा कि वो इस कानून को वापस लें, ताकि इस कड़कती हुई ठंड में, बारिश और बर्फ में हमारे लोग मज़ीद तकलीफ ज़्यादा ना हों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो पर्व है 26 जनवरी का, ये खुशियाँ लाएगा, अमन अमान कायम करेगा, सरकार के जहन में अच्छाइयाँ डालेगा, और जो भी एक कदम सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे रियासत की हो, वो एक अच्छी वेलफेयर स्टेट के नाते ही काम करेंगे, और जो जो उनके इकदाम हों वो पब्लिक वेलफेयर के लिए हों। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस पे मैं सारे ही अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद करता हूँ, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाला ये साल जो हमारा होगा ये बहुत अच्छा गुजरेगा। हमारी इस स्टेट में जो हालात इस वक्त खराब कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो उस परमात्मा से वाहेगुरु से आप प्रार्थना करेंगे कि हालात यहाँ ठीक हों और चुनी हुई सरकार, इलेक्शन हो, चुनी हुई सरकार आए और लोगों को अच्छी फैसिलिटीज मिलें और लोग अच्छा जीवन जिए और अच्छे ढंग से जिए, बच्चों को जॉब मिले, और जो इस वक्त मुल्क में मिलिटेंसी है हमारी स्टेट में चल रही है, तो वो हम सारे मिलके अल्लाह ताला से, वाहेगुरु से, राम से दुआ करेंगे कि ये मिलिटेंसी खत्म हो और लोग अच्छी तरह लोग जिंदगी बसर करें। ये जो टारगेट क्लियरिंग हुई है पीछे, इसलिए सबको परेशानी हुई है, सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि उस अरदास करते हैं कि ये मिलिटेंसी खत्म हो और हालात अच्छे हों, और 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, खुशी खुशी हर साल बनाया करें, और लोग आपस में भाईचारा बना के रखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे रह के हम ये ज़िंदगी का असर करें जो हमने 1947 में जो आज़ादी ली थी, इसका अच्छी तरह ढंग से बना सकें। आज यही से मैं सबको ये एक मैसेज देता हूँ कि वो वाहेगुरु कृपा करें कि हम सारे इकट्ठे होके ये रहें और अच्छी ज़िंदगी बसर करें। जय हिंद, मैं श्यामलाल गुप्ता, चेयरमैन एंटी क्राइम टीम। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन मैं सभी अपने जम्मू कश्मीर वासियों को, भारत वासियों को और विश्वनाथ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं अपनी एंटी क्राइम टीम एनजीओ के वॉलंटियरों की तरफ से सभी भारत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और 15 अगस्त 1947 को हमें जिन छूरवीरों की वजह से आजादी मिली थी, मैं उनको भी नमन करता हूं। उन छूरवीरों की वजह से ही हम आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो है वो खुशी से हर्ष से मना रहे हैं।
26 जनवरी वीरवार को 1950 को हमें भारत का एक संविधान लागू हुआ था। हम उनको भी नमन करते हैं जिन्होंने संविधान बनाया और हमारे लिए एक सुरक्षित पैकेज तैयार किया। मैं सभी अपने भारतवासियों से अपील करूंगा कि 26 जनवरी के दिन, आज गणतंत्र दिवस है, आज कुछ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, शहरों के लिए, देश के लिए कुछ एक अच्छा कर्म करें। जैसे कि हमने कल स्कूलों में बच्चों की एक प्रोग्राम कराया और ड्राइंग पेंटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट किया, बच्चों को ट्रॉफियां दी, मेमेंटो दिए, कैश प्राइज दिया। मैं भी चाहता हूं कुछ अच्छा हो गणतंत्र दिवस में, समाज के लिए हो, परिवार के लिए हो, देश के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शंकर सिंह जी आज इस गणतंत्र दिवस के ऊपर पूरे भारतवर्ष के लोगों को अपनी तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं, मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसे कि आज का दिन 26 जनवरी का दिन है और इस दिन को एक भारत में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और देश के तिरंगे को जगह जगह लहराया जाता है, देश के तिरंगे को सलाम किया जाता है। देशवासियों, मैं अपनी तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे भारतवर्ष के लोगों को फिर एक बार दिल की गहराइयों से इस शुभ दिन के अवसर पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।